हाईवे, पार्किंग पार्क, स्ट्रीट लाइट, आपके नेबरहुड में जो एलईडी स्ट्रीट लाइट लगी है, पुरानी वाली नियॉन नहीं, आपके पड़ोस में जो एलसीडी स्ट्रीट लाइट लगी है उसके आप 20 रुपीज भरते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। अगर नहीं विश्वास, आप मेरे को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजना, मैं सर्कल करके भेजूंगा। 20 रुपीज पर मंथ पर मीटर आप भरते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए। अच्छा मैं प्रूव नहीं सर, आप झूठ कह रहे हो, सच कह रहा हूं बेटा। एक तारीख से सब्सिडी मिलना बंद हो रही है, अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तब सब्सिडी मिलेगी आपको। उसके लिए आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक करेंगे तेरा लेवल है सब्सिडी लेने का। पता लगे जी तुम्हारे घर पे तो 5 AC है और तुमको, तुम गरीब हो, कहां से गरीब हो बता देना। स्ट्रीट लाइट के 20 रुपीज लगते हैं पर मंथ पर मीटर इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। और ये जो एमसीडी की वैन आती है गार्बेज वाली, जिसको तू और भाई यूज नहीं करते, उसके 20 रुपए रखते हैं वाटर बिल के अंदर। एमसीडी गार्बेज वैन फ्री नहीं है भाई, मेरी तो गली में आता भी नहीं है, गाड़ी खड़ी होती है। जस्ट आपने प्राइवेट स्पीकर लगा रखा है, वेदर यू वुड यूज इट और नॉट, 20 रुपीज लगते हैं पर मंथ वाटर बिल के अंदर। पीपीपी पार्किंग पार्क हाउस टैक्स के अंदर, हाउस टैक्स के अंदर स्ट्रीट लाइट 20 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, और ये एमसीडी वाली जो वैन आती है इसके 20 रुपीज वाटर बिल के अंदर। अभी इसने बोला ना कि आपको सब्सिडी चाहिए तो अप्लाई करो, अब देख लो 1-2 महीने बाद वाटर बिल के लिए भी होगा। यस मेरी एमसीडी की मोटर चलती नहीं, ठीक है जी, फिर भी मेरा 1200 बिल आ गया। मैं पूछना गया क्यों, क्या था स्टॉप मीटर, तो सीधा सीधा बोलो ना कि आपको भरने, पैसे भरने हैं। कह रहा सर आपने 1 लीटर पानी यूज नहीं करा। मैं कहा जी नहीं, पानी में स्मेल आती है, हमको बार बार टैंक साफ करवाने पड़ते हैं। गलत थोड़ा बोला, मैं कहा पानी में स्मेल आती है, टैंक गया बार बार साफ करवाने पड़ेंगे, हम यूज नहीं करते। कह रहा स्टॉप मीटर की पेनल्टी होती है, तो चलाऊ गंदा पानी और 20 लीटर क्रॉस हो जाए पूरा बिल, ना चलाओ स्टॉप मीटर की पेनल्टी। फंस गए भाई, हम फंस गए तेरे को पॉइंट करके। हम आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आपकी एमसीडी की मोटर यूज नहीं होती स्टॉप मीटर का बिल आएगा पेनल्टी 1200 रुपए है। कितने मंथ का ये नहीं पता, लेकिन 1200 रुपए भरना पड़ेगा, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। एक और प्रॉब्लम, भर रहा हूं मैडम, भर रहा हूं, भर रहा हूं, फिर वही गलती करी आपको चूज करवा के मैंने। रेडी हो जाओ, रेडी, आपसे पूछ के लिखूंगा। कहानी याद हो चुकी है, किसने मेरे को मेरी भाषा में जवाब, किसने अपने पैसे बचा लिए, किसने अपने पैसे बचाए, गवर्नमेंट ने अपने पैसे बचा लिए। किसके ऊपर डाल दिए, किसके ऊपर डाल दिए, प्राइवेट। तो जब आपके मेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे मनी, आपके मेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे मनी, मनी कम। तो जब मनी नहीं होती हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड ही पुत्र एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो जब आपके पास पैसा नहीं है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम। तो जब जब इनका इनकी डिमांड नहीं हो रही, इनकी कार नहीं बिक रही, गोल्ड नहीं बिक रहा, तो ये प्राइस क्या करेंगे, कम। डिमांड नहीं है, प्राइस कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम, इन्फ्लेशन कम। प्यारे शैतानों देख लेना, ये आपका बेस है, अब यही चलेगा जी। इसलिए 10 मिनट फालतू लगाए ताकि तुम बन जाओ एक्सपर्ट, ये बेस है जी। फिस्कल पॉलिसी का भी, मॉनेटरी पॉलिसी का भी। सेकंड, देख मेरे चीते, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। 50 बार बात हो चुकी है, जो टैक्स एमआरपी में आगे आगे जाते हैं, जो टैक्स एमआरपी में आगे आगे जाते हैं इनडायरेक्ट, और जो आगे आगे नहीं जाते डायरेक्ट, ये 3 होते हैं, इनकम टैक्स,
वेल्थ टैक्स, वही हाउस टैक्स वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स हाउस टैक्स वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स, तीन के अलावा सब आईडीटी। अब देखो जी, अब तुम सचिन सर जब ये टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, यस पता है, 3 महीने पहले, पहली कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, ठीक है जी, पहली बार होना चाहिए, आप और मैं यूज्ड टू बनेंगे, पुत्र पहली बार हुआ है, मिल्क पे, छाछ पे, लस्सी पे, पनीर पे जीएसटी है 5% पैक्ड, लूज वालों पे नहीं है। और अच्छा, आप और मैं पैक ही खरीदते हैं, हमको थोड़े डाउट होता है अडल्ट्रेशन मिलावट ना हो, भाई अपनी हेल्थ थोड़ा खराब करनी है, अडल्ट्रेशन ना हो, थोड़ा गंदा ना हो, ओपन आता भैया पता नहीं कैसे, उसके हाथ है या नहीं है, बर्तन साफ है नहीं साफ, कम से कम पॉलीबैग होगा हाइजीनिक के हिसाब से। तो पैक्ड मिल्क डेयरी प्रोडक्ट पे जीएसटी 5%, वेरी गुड। सुबह मैसेज आया, एक और चीज पे लगा दिया गया है 5%, आज ही इम्पोज करा है 5%। अच्छा ये र्यूमर है, ये र्यूमर है, कह रहे जी जो गुरुद्वारों में लंगर होता है उस पे 5% जीएसटी है, फॉल्स। ये तो पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल वाला अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ये फॉल्स है। नहीं विश्वास किसी सीएस से पूछ लेना, ये गलत है जी, मंदिर पे गुरुद्वारे में लंगर पे जीएसटी नहीं है जी, क्योंकि वो मार्केट नहीं है, क्योंकि वो मार्केट नहीं है, उसके लिए एमआरपी नहीं ले जा रहा, हम तो लगाते हैं एमआरपी पे, और वो मार्केट नहीं, वो तो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आइए जी, अब बेस बन चुका है, जब ये टैक्स बढ़ेगा, मनी आवाज नहीं आई, टीटी बढ़ गया, आईडीटी बढ़ गया, तो मनी कम, मनी कम, तो जब पैसे नहीं होते, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस गिराना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम, टैक्स बढ़ा दिए, पैसे कम बचेंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे, वो रेट गिराएंगे, इन्फ्लेशन कम, ये 10 पे है जी। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, तीन, तीन के अलावा जो बच जाएगा आईडीटी। कल को गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगाती है वो आईडीटी होगा, डीटी नहीं हो सकता, डीटी तीन ही होते हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज। बेटा तीन चीजों पे, अब हर चीज पे जीएसटी आ चुका है, तीन चीजों पे अभी पुराना टैक्स चल रहा है, एक्साइज प्रोडक्शन टैक्स, वैट सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय पुराना चल रहा है। देख गवर्नमेंट का भेद बोलू, हर चीज में जीएसटी है, पानी की बोतल जीएसटी, वॉच जीएसटी, शर्ट जीएसटी, गवर्नमेंट ने बोला वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। पहले सचिन इसमें मैं अनोखा थोड़ा हूं, पहले हम लोग गाड़ी खरीदते रहे फरीदाबाद से, हरियाणा सेल टैक्स कम, सस्ती बढ़ती रही, जितनी कार निकलवाई है भाई साहब कभी दिल्ली के शोरूम से निकलवाई मतलब ही नहीं है जी, फरीदाबाद से निकलवाते रहे या गुरुग्राम से निकलवाते, हरियाणा सेल टैक्स कम था, दो दो तीन तीन लाख में सस्ती बढ़ती रही, नंबर ट्रांसफर के 50,000 रुपए, फिर 2.5 लाख तो सस्ती बढ़ रही है, लेकिन अब जीएसटी सेम, दिल्ली और हरियाणा पंजाब हो कश्मीर हो कहीं से हो भाई सेम जीएसटी है, अब वो जो काम हमारा ये डिफरेंस था वो खत्म हो गया। तो बेटा इस समय ना जीएसटी है 28%, कितना बेटा 28 से ऊपर नहीं है, 0, 5, 8, 12, 18, 28, 0, 5, 8, 12, 18, 28, आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी बताया था मैंने आपको, सुनो हाईएस्ट 28 है, हाईएस्ट 28 है, तो गवर्नमेंट पुराने टैक्स से ले रही है 60%, अगर ये जीएसटी में आती है 28, लेकिन ये पुराना टैक्स ला रही है उस पे ले रही है 60%, तीन चीजों पे, एक लीकर टोबैको पेट्रोलियम, लीकर डिमांड होनी होनी है, पेट्रोल डिमांड होनी होनी है, टोबैको डिमांड होनी होनी है, इन पे जी पुराना टैक्स। कोई पूछे जब हर चीज पे जीएसटी आ गया इन तीन पे क्यों नहीं, टेंडर फ्रेश जवान पे लगाम, कोई पूछे ना भाई क्यों आप ये ले रहे हो पुराना टैक्स, वैट एक्साइज वो तो खत्म हो चुकी है, वैट एक्साइज सर्विस टैक्स
क्योंकि इनको आपको ज्यादा निचोड़ना है 60, 80, 100। और अगर जीएसटी में आ गए 28, उसके ऊपर अगर स्लैब बनाओगे तो चिल्लाएंगे अपोजिशन वाले, हाय 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 हाय। तो एक काम करते हैं हम, वो पुराना चलने देते हैं। आप एक काम करना, कभी फ्यूल भरवाओ, बिल लेना बिल, कभी उसमें जीएसटी लिखाओ। नहीं, अच्छे एग्जाम्पल दूंगा ना, तू सोच रहा है शराब की बॉटल लू, मैं तो अच्छे एग्जाम्पल दूंगा ना कि छोटे ये तीन, तीन के अलावा अगर टैक्स बढ़ते हैं तो आर्यन के पास पैसे कम, आर्यन डिमांड कहां से करेगा, रेट गिरेगा, इन्फ्लेशन कम, और बातें करेंगे, आपको माइक दे देता हूं, अपनी आवाज आवाज बुलंद करेंगे, पढ़ने थोड़ा आते हैं, बातें करने आते हैं हम तो। पब्लिक डेट पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी, लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट आपसे लोन ले लेगी, गवर्नमेंट आपसे लोन लेगी। तो जब आपसे लोन ले ले 5-10 साल के लिए, पैसे आवाज नहीं आ रही, अभी बताऊंगा, गन पॉइंट पे नहीं लेती पैसा, क्या आपको मेरे उल्लू बनाती है। गवर्नमेंट ने आपसे लोन ले लिया 10 साल 20 साल के लिए, तो जब आपसे पैसे ले लिए, आपके पैसे कम, डिमांड नहीं करेंगे, वो रेट गिराएंगे, इन्फ्लेशन कम। आप गवर्नमेंट को लोन देते हो जब एफडी करवाते हो, एफडी, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, फीम 7 साल तक की बच्ची के नाम पे करवा सकते हैं, अब आपके नाम पे नहीं होगा। सुकन्या स्कीम, पहले थी लाडली स्कीम, अगर यस, अगर आपके घर में भी कोई 7 साल से कोई छोटी बच्ची है उसके नाम पर रजिस्टर कराएंगे, यस, सुकन्या स्कीम, पैसे मिलेंगे, डैड पैसे भरेंगे, मम्मी पैसे भरेंगे, पैसे मिलेंगे उस बच्चे को जब वो 18 साल का होगा, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, या 23-24 साल उसकी मैरिज के लिए पैसे भरेगा डैड, मिलेंगे बच्चे को हायर एजुकेशन या उसकी मैरिज, टैक्स फ्री, अच्छा ब्याज है, यस, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आप, आपके घर में मेड आती है, उसकी कोई बेटी है, एक काम करो, मम्मी को बोलो, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी इसके 500 बढ़ाओ, और उसको बोलो 500 में आप दे रहे हैं, आपकी लड़की के नाम पे जमा करा रहे हैं, लो आंटी 500 रुपए महीना और देने से आप गरीब नहीं हो जाओगे। वैसे भी आपकी माता मेरी माता बढ़ाती है इनके पैसे दिवाली के आसपास, यस, इनको दोगे खर्च हो जाएंगे, या हो सकता है भगवान ना करे इनका हस्बैंड इनसे पैसे खींच लेगा शराब पी लेगा, बेचारी से पैसे खींच लेगा शराब पी लेगा। तो मम्मी को बोलो, मम्मी आंटी के पैसे बढ़ाने हैं, हाँ बेटा बढ़ाने हैं, आंटी अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं आपके बच्चे के नाम पे करवा दूंगा पैसे, बेटा वो क्या होता है, नहीं हमने पढ़ा था जी, 500 रुपए जाएंगे हर महीने, या जो भी आपका कंफर्टेबल लेवल है, पैसे मिलेंगे इस बच्चे को इसकी एजुकेशन पे, इसकी मैरिज पे, इसी बारे सेविंग हो जाएगी और ब्लेसिंग तेरे को मिलेगी, कुछ मेरे को भी मिलेगी क्योंकि आइडिया मैंने दिया था, करवाना बेटा, उसको नॉलेज नहीं है, तूने किस बात का पढ़ा लिखा है। प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस में जमा करवाता है पैसा, गवर्नमेंट बैंक में एफडी, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट बैंक में एफडी, रक्षित, प्रियंका, रोहन, गवर्नमेंट आपको गन पॉइंट पे लेती, आपको लालच देती है हाई इंटरेस्ट का, टैक्स फ्री का। अगर आप बैंक में करवाते हो कितना मिलेगा, 5%, हम 8 दे रहे हैं, बैंक में करवाते टैक्सेबल, हम टैक्स फ्री, ब्याज की लालच, टैक्स फ्री की लालच, हमने पैसे दे दिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग, इन लालच में आप और मैं फंस जाते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग। किसी बंदे की बैकबोन होता है पीएफ, किसी बंदे की बैक, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, पीएफ कटता है, 12.5% मेरा कटेगा, 12.5% देगा मेरे एम्प्लॉयर,
सुन ले, मनामत्री कभी पापा को पोल कटवाओ दी, उनके काम आएगा। 12.5% हर मंथ पापा की शादी में कटेगा, 12.5 कटे वो देगा एम्प्लॉयर, 25% पापा की। अगर 1 लाख सैलरी है, 25,000 रुपए जमा हो रहे हैं विद इंटरेस्ट, और दिमाग लगा, जब पापा की सैलरी बढ़ेगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा भाई। पापा की सैलरी आता है 1 लाख रुपए, जब पापा की 1.5 लाख होगी, 2 लाख होगी, तो भाई साहब कॉन्ट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा। 12.5% आपके सैलरी में से 12.5 देगा एम्प्लॉयर। जब पापा 60 ईयर के होंगे, आपके पापा ने जॉब चेंज करी, वो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि पैसा कंपनी के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे पीएफ का नंबर होता है यूनिक। पूछे पापा से, हमारा इंस्टीट्यूट वाला पीएफ काट रहा है, तो दीपक सर के पास पैसा नहीं है, सचिन सर के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। अरे दीपक सर पैसा खा जाएंगे, अरे सचिन सर पैसा खा जाएंगे, पागल हो रहा पुत्र, गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है पैसा, हम कैसे खा जाएंगे? आपने जॉब चेंज करी, आपके पास पीएफ नंबर है यूनिक शिफ्ट। जब 60 ईयर, इट्स क्वाइट ट्रू, जब आप 60 ईयर के होते हैं, आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो पूरा पैसा ले लो 5-10 करोड़ पे जो भी इकट्ठे होंगे, या आधा ले लो, आधे की बना लो पेंशन, या पूरे की पेंशन बनवा लो 5-10 लाख पर मंथ, बुढ़ा बुढ़ी आज करेंगे। या तो भाई पूरा पैसा ले लो इकट्ठा जो इकट्ठा हुआ है, या आधा पेंशन, आधा पैसा ले लो, या पूरे की पेंशन बनवा लो। तो हमसे लोन ले लिया, याद कर, किस रूप में? एफडी। और ये जो एफडी है, आईसीआईसीआई में गवर्नमेंट बैंक में है, एक्सिस बैंक में गवर्नमेंट बैंक, प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट में काम करो, प्राइवेट में काम करो, भाई साहब पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, पोस्ट ऑफिस। और हमको क्या लालच दी गई? वास्तु बेटा, इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग। हम बन गए पागल। मैंने पैसा जोड़ा था घर के लिए, इसको दे दिया, अब घर वाला तो हो जाएगा ना पोस्टपोन। मैंने जोड़ा था गाड़ी लूंगा, उस स्कीम में लगा दिया पैसा। सचिन सर ने पैसे जोड़े थे गाड़ी लूंगा, सचिन सर ने पैसे जोड़े थे घर लूंगा, और वो ऐसी स्कीम आई और ठीक है यार, मैंने वहां लगा दिया, तो मेरा पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम। ये डिमांड प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम, लास्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, देख चाचू, करेंसी कौन प्रिंट करता है? मनी बैंकिंग वाली बात, कंप्यूटर ऑन। करेंसी कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। दो करेंसी प्रिंट नहीं करता, 1 रुपी नोट, ऑल कॉइन, याद है मेरे चीते, भूल गया, सारी करेंसी प्रिंट करता आरबीआई, दो नहीं करता। उसने वर्क लोड डिवाइड कर रखा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख रहा है, दे रखा है 1 रुपी नोट, ऑल कॉइन। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आरबीआई को, हम आपको कम गोल्ड दे रहे हैं। बताया था गोल्ड रखी करेंसी छपती है, गोल्ड फॉरेन करेंसी, 90% गोल्ड होता है, 10% फॉरेन करेंसी होती है। गोल्ड रखते हैं, 10% फॉरेन करेंसी रखते हैं। किसने ऑर्डर दिया? गवर्नमेंट ने आरबीआई को, हम आपको गोल्ड कम दे रहे हैं, तो आप करेंसी कम प्रिंट कर पाओगे? जब गोल्ड ही नहीं होगा, करेंसी कम प्रिंट कर पाओगे? लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा, डिमांड कम करेंगे, वो आगे वाली कहानी, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। रेडी हो जा, तेरी बारी आ गई। ये जो स्पेस छोड़ा है, तेरे से पूछूंगा, किसने ऑर्डर दिया, किसको? हम आपको गोल्ड कम दे रहे हैं, आप नोट कम छापोगे तो आप पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा, वो डिमांड कम करेंगे, माल नहीं बिकेगा, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। सोच के बताओ, जब गोल्ड रख के नोट छपते हैं, गोल्ड रख के नोट छपते हैं, वो पैसा पब्लिक तक कैसे आता है? गोल्ड रख के नोट छपते हैं, करेंसी छपती है, वो पैसा पब्लिक तक कैसे आता है?
नहीं आप तो कैसे बोलता है, बैंक में फ्री में डाल देंगे, ये घर बैंक टिंग टोंग वानी बेटा, हमने नोट छापे थे आपके 10 लाख रुपए, या बैंक आपको मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000 रुपए, नोट छापे थे, चलो जी रख लो। बच्चे जितने पैसों की करेंसी प्रिंट होती है उतने पैसों की जॉब प्रमोशन करते हैं। देश में 100 करोड़ के नोट छपे तो 100 करोड़ की जॉब प्रमोशन होगी। आपके पेरेंट्स नंबर देके गए थे पीटीएम में, समझ गया ना, तो कॉल करने में देरी करूंगा। 500 करोड़ के नोट छपे, 500 की जॉब प्रमोशन। तो जब आपके मेरे पापा की प्रमोशन होगी तो क्या पैसा हम लोग घर पे रखते हैं? पापा की 500 करोड़ के नोट छपे, 500 की जॉब प्रमोशन, 1,000 करोड़ के नोट, 1,000 की जॉब प्रमोशन। सुन, तो जब आपके मेरे पापा के पास पैसा आता है इंक्रीज, तो क्या पापा पैसा घर पे रखते हैं? नहीं, पापा खर्च करेंगे, या तो बैंक पे रखेंगे, कार बाइक कपड़े फोन। तो जब आप खर्च करोगे उसकी इनकम, वो खर्च करेगा उसकी इनकम, सर्कुलर फ्लो। भाई पैसा घर पे तो रखता नहीं है, खर्च करोगे या एफडी करवाओगे, या खर्च करोगे बैंक, एफडी कराओगे बैंक, तो आपका पैसा आगे सिस्टम में, सर्कुलर फ्लो। तो यहां पे उल्टा करा सेजल, करेंसी कम प्रिंट करी, प्रमोशन भी कम करी। सेवंथ पे कमीशन में प्रॉमिस किया था सैलरी बढ़ाएंगे 50%, बढ़ाई 30। यस, ख्वाब दिखाए 50, जब बढ़ाने के बारे 30। अगर आपके मॉम एंड डैड गवर्नमेंट जॉब करते हैं पूछ लेना, 50 प्रॉमिस करके 30 बढ़ाई थी, ताकि इकट्ठा पैसा ना आए, फजूल खर्च ना करो। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जल्दी किसने ऑर्डर दिया, किसको आ रहे? गोल्ड कम रखेगा, प्रिंट कम तो हम प्रमोशन कम करेंगे, पैसा कम आएगा, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। इसलिए बोलते डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये हमारे चार पार्ट पूरे हो गए फिस्कल पॉलिसी के, ईच पार्ट 3 मार्क्स।